दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गया लोकसभा सीट से भागीरथ मांझी लड़ेंगे चुनाव। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे जदयू में शामिल। बीजेपी का तंज अभी से ही बिसात बिछाने लगे। पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुवन ने कैबिनेट से इस्तीफा देकर दलित वोट बैंक पर जदयू की पकड़ को कमजोर किया है। वहीं पार्टी अब दलित वोट बैंक के डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। जदयू ने पहले आनंद फानंद में अपने विधायक रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। अब माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को भी पार्टी में शामिल कर लिया है। अगली खबर, 23 जून की मीटिंग से पहले दिल्ली की कुर्सी हिल रही। जमुई में बोले आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजद के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी शुक्रवार को पटना जाने के दौरान जमुई पहुंचे थे। उन्होंने जीतन राम मांझी, पीएम मोदी, चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। उदय नारायण ने कहा कि 24 जून की महागठबंधन की मीटिंग से दिल्ली की कुर्सी हिल रही है। साल 2024 के चुनाव में महागठबंधन पूरे बिहार में परचम लहराएगी। वहीं जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने पर बोले कि आंधी जब चलती है तो पेड़ से कई सूखे पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। अगली खबर, शिक्षक बहाली के विरोध पर शिक्षा मंत्री की दो टूक। बोले हमारे साथी व्यवधान करें या ठीक नहीं, सरकार विचलित नहीं होने वाली। बिहार सरकार नई शिक्षक नियमावली लेकर आई है। इसके बाद बीपीएससी ने शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन निकाला। बहाली के लिए आवेदन का समय भी शुरू है। लेकिन दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षक संघ सहित बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा व अन्य शिक्षक संगठनों का विरोध जारी है। मामला हाईकोर्ट तक में चल रहा है। उम्मीद है कि गर्मी की छुट्टी के बाद कोर्ट खुलेगा तो सुनवाई होगी। अगली खबर, नीतीश के बयान पर मांझी का पलटवार। कहा तेजस्वी को अंगूठा दिखाकर खुद एनडीए में जाएंगे नीतीश। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश पर जमकर बरसे। गया के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नीतीश के मुखबिरी वाले बयान पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए कभी भाजपा तो कभी राजद के साथ मिलते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ खा लिया और परहेज करने चले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दावे के साथ कह सकता हूं कि वह तेजस्वी यादव को कभी सीएम नहीं बनाएंगे। अगली खबर, बिहार में लू का प्रकोप। 4 जिलों में अब तक 9 की मौत, 6 जिलों में रेड अलर्ट। बिहार में लगातार 13 दिनों से हेडवेव का असर है। 17 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही है, जिसका लोगों पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से असर दिख रहा है। हेडवेव और लू से रोहतास के करगर, गया, जमुई और बांका में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इलाजरत हैं। मानसून की एंट्री के 5 दिन बाद भी 19 जिलों में हेडवेव का असर है। इस दौरान तापमान 42 से 44 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रात में तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच है। अगली खबर, अनियमित सत्र, लंबित परीक्षा व अनुदान के भुगतान की रिपोर्ट लेंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री राज्य भर के विश्वविद्यालयों में लंबित परीक्षाओं, अनियमित सत्र, संबद्ध कॉलेजों के अनुदान के भुगतान, रिटायर्ड कर्मी की पेंशन, सेवांत लाभ के भुगतान जैसे मामलों की रिपोर्ट लेंगे। उन्होंने शनिवार को पटना में राज्य के सभी विश्वविद्यालय के वीसी, रजिस्ट्रार व अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक बुलाई है। बैठक में कुल 15 एजेंडे रखे जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुफ्त शिक्षा जैसे मामले भी रहेंगे। अगली खबर, धीरेन्द्र शास्त्री के बाद पटना आएंगी जया किशोरी। 600 से 10,000 तक टिकट के दाम। धीरेन्द्र शास्त्री के 5 दिनों के कार्यक्रम के बाद अब पटना में कथावाचक जया किशोरी आ रही हैं। जया किशोरी के पटना आने को लेकर पत्रकारों ने भाजपा नेता शैलेश महाजन से बात की। यहां उन्होंने बताया कि कृष्ण की भक्ति में लीन जया किशोरी 16 जुलाई को पटना आ रही हैं। पत्रकारों से बात करते हुए शैलेश महाजन ने जया किशोरी को कलयुग की मीरा बताते हुए कहा कि वे इस कलयुग में कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली एक मीरा हैं। उनके द्वारा कथा सुनना पटना वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। वह 16 जुलाई को पटना आ रही हैं। अगली खबर, दलित महिला को बताया डायन, फिर दोनों आंखें निकालकर की हत्या। अरवल में दबंगों ने एक दलित महिला को डायन बताकर उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला की दोनों आंखें निकालकर निर्मम हत्या कर दी। घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के मल्ही पट्टी मोहल्ले की है। 65 साल की मृतक महिला की पहचान स्वर्गीय नारायण दास की पत्नी लाखिया कुंवर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली रहती थी, उसका बेटा बाहर रहकर मजदूरी करता था। घटना के बाद इलाके के लोग काफी गुस्से में हैं। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
अगली खबर, जीतन राम मांझी को सबक सिखाएगी बीजेपी। मंत्री श्रवण कुमार बोले, वे घूम घूम कर फिर यहीं आएंगे। पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भाजपा नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अब इस पर बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस पर जनता दल यूनाइटेड ने जुबानी हमला बोला है। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर इंसान और पार्टी को किसी से मिलने की छूट है, लेकिन उनका सम्मान कहीं और नहीं मिलने वाला है। वे घूम फिर कर वापस यहीं लौटेंगे। अगली खबर, बहू से संबंध बनाना चाहता था ससुर, मना करने पर हत्या। जमुई में मां बोली, मेरे सामने पीट रहे थे, एक साल पहले हुई थी शादी। जमुई में ससुराल में एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला है। लड़की की मां का कहना है कि उसका ससुर उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, बेटी ने मना किया तो उसकी हत्या कर दी। मामला खैरा थाना इलाके के कोदबरिया गाँव का है। मृतक कोदबरिया गाँव के ज्योतिष कुमार की 19 वर्षीय पत्नी पूरम देवी थी। वह बांका के बेलहर थाना इलाके की रहने वाली थी। अगली खबर, शिवसेना बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए आशुतोष झा। शिवसेना ने बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। शिवसेना ने बिहार में आशुतोष झा को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष झा ने साफ साफ कह दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता बिहार में शिवसेना के संगठन को गाँव-गाँव तक विस्तार करना है। उन्होंने विस्तार से बताया कि सबसे पहले वो प्रदेश स्तर पर समाज के सभी वर्गों को लेकर एक मजबूत नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इसकी घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। इसके साथ साथ बिहार के सभी 38 जिलों में मजबूत सैनिकों को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगली खबर, सीएम नीतीश ने जीतन राम मांझी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के लोगों से लगातार मिल रहे थे मांझी, अच्छा हुआ चले गए। सीएम नीतीश ने शुक्रवार को जीतन राम मांझी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मांझी जी बीजेपी के लोगों से लगातार मिल रहे थे, या लोग बीजेपी से पूरी बात को साझा कर रहे थे, बीजेपी से हमारी रणनीति साझा कर रहे थे, अच्छा हुआ कि अलग हो गए। दरअसल शुक्रवार को सीएम नीतीश राजभवन पहुंचे थे। वे जदयू विधायक रत्नेश सादा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जीतन राम मांझी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के लोगों से लगातार मिल रहे थे। अगली खबर, सुशील मोदी ने कहा कि 4 वर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने में बाधक ना बने बिहार सरकार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 4 वर्ष के डिग्री कोर्स को सेमेस्टर सिस्टम के साथ लागू करने की कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर की पहल में राज्य सरकार बेवजह अड़ंगेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने के लिए महामहिम आरलेकर ने विगत कुछ महीने के दौरान कुलपतियों के साथ आधा दर्जन से अधिक बैठकें की है। अगली खबर, जीतन राम मांझी का दावा, जल्द बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। बिहार की महागठबंधन सरकार से अलग होने के बाद हम लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। ताजा मामले में जीतन राम मांझी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश कुमार द्वारा लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं, तेजस्वी यादव को धोखा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाएंगे, वो तेजस्वी यादव को सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। अगली खबर, बिहार में गर्मी का सितम जारी, 12वीं तक के स्कूल 24 तक बंद। बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश इलाकों में पिछले कुछ दिनों में गर्मी का सितम जारी है, जिसको देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के स्कूल 24 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश में कहा कि अधिकतम तापमान और विशेष रूप से दोपहर में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है। अगली खबर, बीएससीबी के काम के तरीके से प्रभावित हुए 23 राज्यों के परीक्षा बोर्ड अब अपने प्रदेश में करेंगे यही सिस्टम लागू। बीएससीबी सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित करती है और सबसे पहले परिणाम भी जारी करती है। बिहार बोर्ड के इस काम ने दूसरे राज्यों के परीक्षा बोर्ड को भी प्रभावित किया है, जिसके बाद देश के दूसरे राज्य भी बिहार बोर्ड के रोड मैप को अपने यहां लागू कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 23 राज्यों ने बीएससीबी के काम करने के तरीके को अपनाने में रुचि दिखाई है। दरअसल राजधानी पटना में तकरीबन 6 सालों के बाद दूसरी बार राष्ट्रीय एग्जामिनेशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसमें देश के 23 राज्यों के बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। अगली खबर, एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा गया जंक्शन रेलवे स्टेशन, 299 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल की मंडल संसदीय समिति की बैठक का आयोजन सांसद छेदी पासवान की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल क्षेत्राधिकार के सांसदों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने कहा कि रेलवे की ओर से गया जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने एवं एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्री सुविधाएं बहाल करने के लिए 299 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।